आज हम झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर उनको स्मरण, उनकी वीरता और साहस को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जीवन के बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए। झांसी की रानी का जन्म आज के उत्तर प्रदेश प्रांत में बनारस में हुआ था। एक मराठे परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका और प्यार से उन्हें मनु कहता पुकारते। उनकी जब वो 4 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पिताजी के द्वारा उनका लालन पालन किया गया। उनके पिताजी बाजीराव पेशवा के यहाँ सेनारत थे, तो उनके पिताजी बाजीराव पेशवा के यहाँ लेकर जाया करते थे। और बरछी डाल कृपाण कटारी, जैसा कि हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की कथा में पढ़ रखा है, बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। अर्थात उनके लालन पालन में घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि उन्होंने सीख रखी थी। जैसे कि आगे फिर उनका विवाह झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ। आगे कालांतर में जब वह केवल 24 वर्ष की थी, उनको एक उनके पति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र अर्थात एक उत्तराधिकारी अपने शासन के लिए एक गोद लिया, जिसका नाम दामोदर दास रखा गया। लेकिन उस समय अंग्रेजों की एक हड़प नीति प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत जिस राजा या जिस शासन के अंतर्गत कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, उसके राज्य को अंग्रेजी हुकूमत अपने शासन में मिला लिया करती थी। तो झांसी की रानी ने उसका विरोध किया और इसके विरुद्ध उन्होंने अंग्रेजी अदालत में एक याचिका भी दायर की। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने उस याचिका को खारिज कर दिया और झांसी के राज्य को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। और झांसी की वो उस किले से बेदखल करके उनको रानी के महल में रहना पड़ा और उनको जीवन यापन के लिए केवल 60,000 रुपये जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता था। रानी को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने अपने जैसे झांसी के राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति का बगल बजा दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति उसी समय हुई थी और वह इस क्रांति के महासमर में कूद गई। धीरे धीरे जब वहाँ उस झांसी के राज्य को संभालने के लिए अंग्रेजी की हुकूमत से उनका युद्ध हुआ और वह अपने इस दामोदर दास बालक को अपनी पीठ पर बांधकर वहाँ से झांसी से निकली और उनका साथ वीरांगना झलकारी बाई और तात्या टोपे जैसे वीरों ने उनका साथ दिया। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी शासक रहे जो अंग्रेजी हुकूमत के तहत दबे हुए थे। वो अंग्रेजी हुकूमत से मिले हुए होने के कारण ग्वालियर के निकट उन्होंने उनको एक अंग्रेजों से युद्ध करते करते ग्वालियर के निकट उनको वीरगति प्राप्त हुई। अंत में जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की दो लाइनें पढ़ना चाहूँगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहाँ दी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी के लिए हम जोरदार तरीके से नमन करेंगे। वीरांगना झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सत सत नमन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।